सर, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास ऑलरेडी ये हुआ डाउनलोडेड है लैपटॉप में, मगर ये एक्टिवेटेड नहीं है बोल के शो कर रहा सर, क्या करना है इसके लिए? सोहेल सर इसका जवाब दे। क्या एक्टिवेटेड नहीं है बता रहे? प्रोडक्ट नोटिस मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ वर्ड हैज बीन डिसेबल्ड बिकॉज इट हैज बीन एक्टिवेट बोल के बता रहा। आई थिंक ये एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। आई थिंक हाँ जी, तो ये अलग है। MS Word अलग है, WordPress अलग है मैम। MS Word Microsoft का है, वो जो नॉर्मली Microsoft में यूज होने वाली चीज है, Excel ये चीजें होती है उसमें, MS Word, Excel और Outlook, तो ये बिल्कुल अलग चीज है। आपको जो लिंक दी गई, अगर आप ग्रुप में होंगे तो लिंक आपको मिली होगी शायद, अगर जो लोग को नहीं मिली है तो मैंने जो नंबर दिया फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 9032087463। ये नंबर पे आप लोग मैसेज करिए मुझे, जो भी आपका क्वेश्चन है वही करिए, बाकी मैसेजेस मत करिए ताकि मेरे को आपको रिप्ले देने के लिए आसानी हो। सलाम वालेकुम सर। कल की बुक कहां है मेरी? मैम आप म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। वालेकुम सलाम सर, ये जो लिंक भेजे आप, वो लिंक खोल के बैठा हुआ हूँ मैं, तो इसमें डाउनलोड का दे रहा हूँ ऑप्शन, उसको डाउनलोड करें तो फाइल कहाँ से खोल रहा है? नहीं नहीं करा सर, मैं अभी वही बताया था, अटेंड कर रहा हूं मैं डेली, वही आपको बताया जाएगा, अब वो चेक करेगा। सोहेल भाई ये नया होती जी बुक कहां है? दियो क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, अभी टाइम स्टार्ट हो गया हमारा, कहां है कभी बुक वो? सर क्लास स्टार्ट कर दिया, पेन दियो ना माविया। सोहेल सर यू कैन स्टार्ट द क्लास, वन अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल उम्मीद करता हूँ कि कल तक की जितनी भी क्लास चली है आपने उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और आज सुबह में भी बहुत से लोगों ने वर्डप्रेस के बेसिक तक पहुँच चुके हैं। तो देखिए, तीन चार कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे थे कि बार बार कि सर ये ट्रेनिंग का जो सुबह में मैंने अटेंड करा, शाम में भी वही चलेगी और इसकी लिंक मिल जाएगी, तो एक कॉमन चीज जो है आप लोग सब लोग सुन लीजिए, जो चीज सुबह में बताई जाती है वही चीज शाम में बताई जाती है। थोड़ा बहुत वर्ड्स अल्फाज बोलने का तरीका और मिसालें इधर उधर हो जाती है, लेकिन प्रोसेस जो होता है पूरा सेम होता है। और इसके अलावा अगर आप कोई क्लास किसी वजह से कोई मजबूरी से अटेंड नहीं करते सुबह या शाम में, तो हर एक क्लास की लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हर एक क्लास का आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको हर बार लिंक मांगने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है ना? बेल आइकन को भी दबा लीजिए तो अपलोड होते आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है? चलिए डन। आज का हमारे क्लास का मेन टॉपिक जो है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है? इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस में एक सबसे कॉमन चीज क्या है, पहले शुरू करने से पहले जो शाम के आज के फ्रेशर्स लोग हैं उनके लिए सवाल है कि कल हम लोगों ने पांच ऐसे टूल्स के बारे में जाना था जिससे हम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। कमेंट में कोई मैसेज कर सकता है कि वो पांच टूल्स क्या है, जो भी आपको याद है? बस मोस्ट कॉमन जो है सब लोग जो है दो ही चीज के नाम ले रहे हैं, HTML एक वर्डप्रेस का। ओके नाउ अब लोग अब सबको पता चल गया। सो फिग्मा, अडोब XD और जस्ट इन माइंड, HTML और वर्डप्रेस, इन चारों पांचों से हम जो है वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, बट आपको आसान सोर्स वर्डप्रेस का है, तो हम लोग जो अभी वर्डप्रेस के बारे में आगे जानकर उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? देखिए, कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक होता है ऑफलाइन वर्डप्रेस, एक होता है ऑनलाइन वर्डप्रेस, ठीक है? ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क होता है जरा चैट बॉक्स में बताएंगे। हैदराबादी आंसर बहुत खतरनाक दे रहे हैं आप लोग, अपनी मर्जी की रहेंगी वेबसाइट बोले तो, अपनी मर्जी की रहेंगी, दूसरे की मर्जी की थोड़ी ना रहेंगी।
नहीं देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन में आप जो बोल रहे हैं ना अपनी मर्जी की रहेंगी पेड रहेंगी ऐसा नहीं है, इसमें फर्क क्या होता है होस्टिंग का फर्क होता है। अगर आपके पास होस्टिंग अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन में वर्क कर सकते हैं, अगर आपके पास होस्टिंग अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑफलाइन में अपनी वेबसाइट बना के होस्टिंग खरीद के फिर इसको लाइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्क देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फर्क होता है, होस्टिंग का फर्क होता है। अगर हमारे पास होस्टिंग और डोमेन रेडी है तो हम लोग ऑनलाइन में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, डन। तो याद रखिए अभी एक दोबारा जब ये सवाल करो तो फिर वही अपनी मर्जी की होंगी, अपन जैसा चाहते वैसा बना सकते हैं, ये सब नहीं चाहिए जवाब। ठीक है ना, चलिए। सो वर्डप्रेस को जब अपन इंस्टॉल करते हैं ना अपने कंप्यूटर में तो उससे पहले अपने को एक चीज चाहिए रहता है। अब देखिए जैसे कि मिसाल के तौर पर बता दूं मैं आपको कि मान लीजिए अपनी एक दुकान है। ठीक है, अब मेरी एक दुकान है, मैंने अपनी दुकान के लिए एक बेहतरीन सा बोर्ड बनाया है। ठीक है, जो भी मेरे को मन करे वो बेहतरीन सा मैंने अपने डिजाइन का बोर्ड बना दिया। अब बोर्ड बनाने के बाद में मैं वो बोर्ड को लगाऊंगा कहाँ पे, अपने सर पे तो नहीं लगा के घूमूंगा ना, या फिर हवा में लटका के नहीं घूमूंगा। तो मुझे वो बोर्ड लगाना है तो कहाँ लगाऊंगा, बहुत से लोगों को आंसर पता है उसका कि कहाँ लगाऊंगा मैं। कोई कोई बोलेगा कमेंट में कहाँ लगाऊंगा मैं वो बोर्ड? नहीं नहीं दुकान मिसाल दे रहा हूँ मैं, दुकान के ऊपर बोले तो दुकान कहाँ पे रहेगी मेरी? रोड पे, मार्केट पे नहीं रे बाबा, जमीन पे। वो जमीन का टुकड़ा जहां पर मेरी दुकान बनने वाली है, राइट? वो जमीन का टुकड़ा जहां पर मेरी दुकान बनने वाली है, वो जमीन का टुकड़ा कहीं भी हो सकता है, रोड पे, फुटपाथ पे, मॉल के अंदर, मॉल के बाहर, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो जो टुकड़ा है जमीन का उसको हम लोग कहते हैं होस्टिंग, जहां पर अपने वेबसाइट की पूरी चीजें आके जमा होने वाली है, राइट? तो वो होस्टिंग जो है, अब हमने ऑनलाइन में तो होस्टिंग खरीदी नहीं है तो अब अपने को ऑफलाइन में होस्टिंग कहाँ से मिलेगी? मैंने बताया था कल कि हमारे कंप्यूटर में हम अपनी एक छोटी सी जगह होस्टिंग के जैसा, लोकल होस्ट के जैसा बना सकते हैं जो ऑफलाइन में वर्क करती है। बट वो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, वो बनाने के लिए कौन सा टूल चाहिए? सुबह की क्लास वालों को पता है कि वो टूल का नाम क्या है, बट वो टूल क्या है आज उसको भी बता दूंगा और उसको पहले इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास वो टूल का नाम है जैम। ठीक है, अगर आप चाहे वो ऑनलाइन में बनाओ या ऑफलाइन में बनाओ, आपको जैम की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर आप ऑनलाइन में भी अगर अपना होस्टिंग लेकर रेडी बैठे हो तो भी आपको जैम अपने कंप्यूटर में चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस का बेसिक जो है इंस्टॉल करने के लिए आपको जैम की मदद चाहिए। ठीक है, तो जैम में क्या होता है, जैम आपको एक जैम इज एन सपोर्टिव टूल फॉर वर्डप्रेस। जैम इज अ टूल विच क्रिएट लोकल होस्ट इन योर सिस्टम सो दैट वी कैन यूज वर्डप्रेस एज ए ऑफलाइन। ठीक है, जैम क्या करता है, हमारे सिस्टम के सी ड्राइव में एक स्पेस बनाता है जिसमें जो है हम अपनी वेबसाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में, सिर्फ अपने कंप्यूटर में एज ए वेबसाइट लाइव देख सकते हैं। क्योंकि जैम मेरे पास है, मेरे कंप्यूटर का है, तो मैं अपने कंप्यूटर में उसको लाइव देख सकता हूँ। अगर जैम आपके पास भी होगा, आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करें तो आप अपनी वेबसाइट अपने कंप्यूटर में लाइव देख सकते हो। समझ में आ गई बात, कितने को ये बात समझ में आ गई, जैम से हमको क्या मदद मिलती है? डन। तो आसान शब्दों में बताऊं तो जैम एक लोकल होस्ट प्रोवाइडर है जो हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है अपने कंप्यूटर में जहां पर हम अपने वेबसाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे एज ए वेबसाइट रन करके देख सकते हैं। ठीक है, इसकी डाउनलोड लिंक आप सबको जो है, हम लोगों ने मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को इसकी डाउनलोड लिंक मिल चुकी है, और जिनको नहीं मिली है वो लोग भी टेंशन ना लें, उनको भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है और इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है, कब मिलेगी, अभी सेशन के एंड में आपको मिल जाएगी। अभी आप कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे कीजिए। सुबह में भी बहुत से लोग क्या करें, जैसे ही लिंक देखें फौरन लिंक के ऊपर चले गए और वहाँ पर जो है थोड़ी चीज़ें मिस करने के बाद में स्टक हो गए। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोसेस एकदम सिंपल है, जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक एक्सटेंशन फाइल डाउनलोड होगी exe.exe के नाम से। उसको आपको क्या करना है, अगर आप कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो उसको डीएक्टिवेट करना है। क्योंकि देखिए जैम जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, हो सकता है उसके कुछ ऑप्शन अपने कंप्यूटर के जो प्रोसेसर है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एंटीवायरस कंपनी क्या करती है, जो दूसरे कंपनी के जो
टूल्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करने नहीं देते, तो एंटीवायरस बंद करने के बाद में उसको इंस्टॉल करिएगा, वरना कुछ लोगों को एरर आएगा कि द फाइल्स आर सम फाइल्स आर मिसिंग और एप्लीकेशन इज नॉट इंस्टॉल प्रॉपरली, सो इस तरह के मैसेजेस आएंगे, ठीक है। तो ये जो है XAMPP को आप रन करेंगे, रन करने के बाद में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा, उसके बाद में वहां पर एक आइकन क्रिएट होगा अपने सिस्टम में XAMPP का, उसको आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, अब मैं बताता हूँ उसको डाउनलोड कैसा करना है और डाउनलोड पेज क्या है। तो ये है XAMPP की लिंक, ये आप सबको मिल जाएगी। अभी इसको अपन गूगल में लेके जाके डाउनलोड पे डाउनलोड करेंगे। मेरी स्क्रीन डाउनलोड स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको, जस्ट अ सेकेंड। शेयर कहाँ है, कंफ्यूज कर देता ये पूरा जूम। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी XAMPP की डाउनलोड डाउनलोड स्क्रीन? देखिए XAMPP जो है अपने कंप्यूटर में कम से कम तकरीबन 750 से 800 MB तक की जगह लेता है, ठीक है। 750 से 800 MB तक की जगह XAMPP अपने कंप्यूटर में लेता है, ठीक है। अगर आपके सी ड्राइव में, अभी एक लड़की का सवाल था कि सर XAMPP जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है बट स्पेस नहीं है बता रहा है, तो वो भी मैं बताता हूँ अभी आपको क्यों ऐसा बता रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है XAMPP में, XAMPP फॉर विंडोज 7.4.2.7, ठीक है, ये जो है बेसिक वर्जन है 7.4.2.7, उसके ऊपर है अपडेट वर्जन 8.0.1.5, उसके ऊपर है एडवांस वर्जन 8.1.2, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल के पास जो है कॉमन कंप्यूटर होगा, कॉमन लैपटॉप होगा, राइट। सो आप लोग जो है कभी भी याद रखिए, पहले जो है बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में बेसिक ठीक ठाक चल रहा है तो आपको एडवांस की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्टिव फाइल है, राइट। तो आप इसमें अपडेट के ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अपडेट अगर आप लोगे और अपडेट की कॉन्फ़िगरेशन से आपका सिस्टम मैच नहीं करेगा तो आपको जो है फिर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, रन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका सिस्टम 64 बाइट है अच्छी बात है, 32 बाइट है एक्सेप्ट कर लेगा, प्रॉब्लम नहीं, आप चला सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कभी कभी लैगिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा, बट मैक्सिमम मेरे ख्याल से अभी पूरे सिस्टम जो है 64 बिट के ही आ रहे हैं, 32 बिट्स के बहुत कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन तरह के इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है विंडोज, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है OS। OS एप्लीकेशंस जो है वो एप्पल वाले कंप्यूटर्स के लिए है। एप्पल अगर किसी का लैपटॉप है, कोई है यहाँ पे रईस ज्यादा अमीर, तो वो एप्पल को डाउनलोड कर सकते हैं, और हम जैसे गरीब लोग तो विंडोज पे काम चलाते हैं। तो हम जो है पहला जो वर्जन है 7.4.27, उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आईपैड वगैरह में काम नहीं करता, टैबलेट वगैरह में काम नहीं करता, मोबाइल में भी काम नहीं करता, इसको आपको प्रॉपरली कंप्यूटर पर या फिर लैपटॉप पर चलाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा होगा आपको, मैं आपको एरो मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको डाउनलोड हो रही है फाइल, यस ओके डन। तो अभी ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो चलिए फिर आपसे अब अपने डाउनलोड स्क्रीन पर चलते हैं। मेरे को मेरे ख्याल से पूरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, पूरे स्क्रीन, ठीक है। चलिए अभी मेरे ख्याल से आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिखेंगे, ठीक है। ये अपना जो है डाउनलोड फोल्डर है। अभी एक लड़की का सवाल आया था, देखिए किसी किसी के ना जैसे सी ड्राइव है ये, ठीक है, सी और डी ड्राइव है मेरे पास, आपको सबको दिख रहे हैं मेरे सी और डी ड्राइव? जी देखिए, मुझे पता नहीं चलता कि स्क्रीन मेरी क्लियर है नहीं है, आपको स्क्रीन दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इसके लिए जब भी मैं पूछूं अगर स्क्रीन के बारे में कोई भी सवाल तो अपडेट कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपके सी ड्राइव में अगर जगह खाली है बहुत सारी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मगर किसी किसी के सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होने की वजह से ये पूरी जगह भर जाके रेड कलर की हो जाती है, राइट। तो अगर ये रेड कलर की हो गई तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ये सब चलाने के वास्ते, क्योंकि पता नहीं आप वेबसाइट में कितना डेटा डालोगे अपने, कितने इमेजेस डालोगे, कितना टेक्स्ट डालोगे। तो इसके लिए वो आपको पहले से वार्निंग देगा कि आपको जो है क्या बोलते हैं स्पेस नहीं है, ये वो वार्निंग देगा। तो इस चीज को आप गौर करिए। अगर आपके पास सी ड्राइव फुल हो गया है, रेड कलर का मार्क आ रहा है, तो क्या करना है आपको, डाउनलोड्स पर जब आप जाओगे तो देखिए मेरे पास इतने सारे चीजें डाउनलोड पड़ी हुई है, राइट। तो मुझे क्या करना है, इन सारी चीजों को यहाँ से कट करना है, क्योंकि ये चीजें भी अपनी सी में सेव होती है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको कट करके किसी भी दूसरे फोल्डर में, सी में नहीं बल्कि किसी भी दूसरे फोल्डर में जो आपका डी है, ई है, एफ है, जी है, उसमें आप सेव कर सकते हो, ठीक है। कट करके पेस्ट करना है आप। खैर ये अलग चीज हो गई, ये अपने सेशन में नहीं था बट फिर भी कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे इसके लिए मैंने बता दिया। जब अपना जैम इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पर आप जब क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें पूछेगा कि डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। ये अभी आपको नहीं दिखेगा स्क्रीन पे क्योंकि ये थर्ड, ये जो है क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन मैसेज है, तो ये मुझे दिखेगा आपको नहीं दिखेगा। आप जब अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपको भी ये मैसेज दिखेगा, तो आपको यस दबाना है, ठीक है। जब आप यस पे क्लिक करोगे तो जैम इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप दो मिनट रुकिए, आपको विंडो दिखेगी। दिख रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कंटिन्यू विथ इंस्टॉल। अभी देखिए मेरे पास एंटीवायरस ऑन है, ये में से पूछ रहा है तुम्हारा एंटीवायरस ऑन है फिर भी तुम इंस्टॉल करना चाहते हो क्या। तो मेरे पास एक ऐसी सेटिंग है कि मेरा जो विंडोज 11 का अपडेट वर्जन है, तो मेरे पास सेटिंग ऐसी है कि मैं बिना अपना एंटीवायरस ऑफ करे मैं अपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ। बट आपके पास जो है अगर विंडोज 11 नहीं है, विंडोज 10 है, 8 है या विंडोज 7 है, तो आपको बाकायदा अपना एंटीवायरस ऑफ करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए एक और चीज, यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन दिखा रहा है, डिफॉल्ट सी है, आप सी ही रखना, आप चेंज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेज, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब वो इंस्टॉल हो रहा है, अब मेरे को यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि मैंने अपना जैम इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू हो गया। कैन यू प्लीज शो द प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल तो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी आपको, और क्या दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो चल रही है, ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है प्रैक्टिकल है, ठीक है। अभी एंड ऑफ द सेशन में आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप की एक नोट भी दूंगा, आप उसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में। What is the reason not to install D drive? Good question. देखिए D drive में हम लोग इसलिए इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि C जो होता है वो हमारा प्रोसेसर से बेस होता है, उसमें हमारा विंडोज के पूरे सेटिंग्स होते हैं, उसी में हमारे पूरे एप्लीकेशन का जो डेटा होता है, तो वो प्रोसेसर को डायरेक्ट पिंच करता है, ठीक है। अगर हम C drive की बजाय D में या E में करते हैं तो क्या होगा, D से मैसेज जाएगा प्रोसेसर को, प्रोसेसर से मैसेज जाएगा एप्लीकेशन को वापिस C में, फिर सी पे क्या करेगा प्रोसेसर एप्लीकेशन उस चीज को रन करेगा, फिर क्या करेगा प्रोसेसर को बोलेगा कि भाई मैंने ये रन कर दिया, फिर वो डी में आएगा अपने एप्लीकेशन के फोल्डर को बोलेगा भाई ये तेरी फाइल रन हो गई। तो इतना घुमा फिरा के आने के बदले अगर अपन सी में इंस्टॉल करेंगे तो डायरेक्ट प्रोसेसर पे अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। ये था रीजन। OS अगर आपका डी में इंस्टॉल है तो आप डी में वर्क कीजिए, OS आपका जहां भी इंस्टॉल है वहां पे वर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मेरा इंस्टॉल हो गया। देखिए अभी इंस्टॉल होने के बाद में जैम ऑटोमेटिक खुल गया, ये है मेरे जैम की स्क्रीन, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जैम को शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को दूसरी कोई चीज ना दिखे और यहाँ आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब ना हो, क्योंकि आप लोग जो मेरे को पता है आप लोग हैदराबादी लोग है, काम की चीज छोड़ के बाकी पूरी चीज देखते हैं आप।
ठीक है, ये है अपना जैम का मेन इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर एक अपैचे है और एक माय एसक्यूएल है। ठीक है, अपैचे एक फाइल है जो अपने वर्डप्रेस को अपने जैम से कनेक्ट करती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अपैचे एक एक मतलब एक नेटवर्क है जो अपने वर्डप्रेस फाइल को अपने जैम से कनेक्ट करती है, यानी कि लोकल उसको बताती कि ये तेरी वर्डप्रेस फाइल है। और माय एसक्यूएल जो है अपने वर्डप्रेस फाइल को डिटेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि इसका प्रोसेस कैसा होता है, माय एसक्यूएल बोलती है मेरे पास वर्डप्रेस की फाइल है, और अपैचे बोलता है कि ये जो होस्टिंग कहाँ से करना है मैं उसको डायरेक्शन दूंगा। समझ में आ गया। जैसे अपने जूम क्लास में एक होस्ट है और मैं को होस्ट हूँ। होस्ट कौन है, अदनान भाई है। अदनान भाई क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है कि को होस्ट कौन है, तो अदनान भाई माय एसक्यूएल है, अदनान भाई को पता है कि होस्ट कौन है। और अपैचे कौन है, मैं हूँ को होस्ट, कि मुझे पता है कि फाइल मुझे कहाँ से शेयर करनी। समझ में आ गया आप लोग को। तो अपैचे माय एसक्यूएल, ठीक है, हम जो है इन दोनों को ऑन करेंगे, अपैचे को और माय एसक्यूएल को। ठीक है, अभी ये सारा प्रोसेस हमने अभी तक किया है लेकिन वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको ये यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। आई होप कि आप सबको यहाँ तक का पूरा प्रोसेस विदाउट एनी कंफ्यूजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, जस्ट जैम इंस्टॉल किया है और माय एसक्यूएल के फाइल्स को डाउनलोड स्टार्ट किया है बस। तो यहाँ तक का मेरे ख्याल से किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये हमने स्टार्ट कर दिया, अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता। अब मिनिमाइज करने के बाद में फिर से मैं आ जाता हूँ मेरी मेन स्क्रीन पे, जहाँ से मैं आप लोगों को पूरा मेरी पूरी स्क्रीन दिखाने वाला हूँ यहाँ। ठीक है, अभी देखिए पीपीटी में नेक्स्ट पार्ट क्या है, लिंक टू डाउनलोड वर्डप्रेस। ठीक है, ये जब मैं वर्डप्रेस की लिंक को यहाँ से कॉपी करके अपने गूगल क्रोम में जब मैं पेश करूँगा लाइक यहाँ पर, तो एक इस तरह का पेज खुलेगा। आसमा जबीन, क्या क्वेश्चन है प्लीज जल्दी बोलिए। काम कीजिए, आप क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, लास्ट में बोल देना। अदनान भाई याद रखिए, देखिए मैं आपको कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ कि जब प्रोसेस बताऊंगा ना उस वक्त आप पैरेलली डाउनलोड मत करिए। ठीक है, क्योंकि पैरेलली डाउनलोड करने से आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, पैरेलली डाउनलोड करने या पैरेलली इंस्टॉल करने से कंफ्यूजन हो सकते हैं। आप पहले उसको प्रोसेस को पूरी तरीके से समझिए कि कहाँ पर क्लिक हो रहा है, किस तरह से क्लिक कर रहे हैं, किस चीज को ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लास्ट में मैं आपको जल्दी खत्म करके सेशन आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर करने दूंगा। आज मैक्सिमम लोगों से अपन बात करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके। ठीक है ना, जब आप वर्डप्रेस की साइट ओपन करोगे, जब डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके आप जब ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आपको डाउनलोड वर्डप्रेस 5.8.3 का ऑप्शन दिखेगा। राइट, तो डाउनलोड वर्डप्रेस 5.8.3 पर जब आप क्लिक करोगे तो एक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, like this, but अभी मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है तो मैं इसको बाजू में रखता हूँ, मैं अभी यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये यहाँ पर मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। आप सबको दिख रही है आई होप, अगर दिख रही है तो यस टाइप कीजिए। क्रैक वर्जन नहीं भाई, क्रैक वर्जन नहीं है, ये जो ऑफिशियल साइट्स है पूरे जैम के और वर्डप्रेस के, वहीं से हम लोगों ने फाइल्स लिए हैं, तो ये इसमें क्रैक वर्जन कुछ भी नहीं होता, ये पूरे वर्जन अवेलेबल है। क्रैक वर्जन वगैरह का कुछ इसमें लेना देना नहीं है, ये फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करना है अपने को, ये जो वर्डप्रेस की फाइल हमारे पास डाउनलोड हुई है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, विन एक्सट्रैक्टर। आप लोगों ने नाम सुना होगा विन एक्सट्रैक्टर, जो कि हमारी जिप फाइल को खोलकर एक फोल्डर में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो जिप से फोल्डर कन्वर्टर की आपको एक फाइल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं विन एक्सट्रैक्टर। तो देखिए, ये फाइल को आप हमेशा एक अलग जगह पे रखिए और इसको कॉपी करके सी में, जहां पर हमारा जैम इंस्टॉल है, राइट, सी में जैम
आप जब सी ड्राइव में जाओगे तो आपको जैम बोलकर एक फोल्डर दिखेगा, ठीक है। सी में जैम फोल्डर, आपको जब एक फोल्डर दिखेगा तो वहां पर आप जो है अपनी इस फाइल को पेश कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको कि जैम के अंदर मत पेश करना, जैम जहां पर है वहीं पर पेश करना, जैम के अंदर नहीं। बहुत से लोग कॉमन गलती कर रहे हो कि जैम के अंदर पेश कर रहे हो, जैम के अंदर नहीं, जैम जहां पर है वहां पर। ठीक है, ये मेरी वर्डप्रेस की फाइल कॉपी हो गई, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा, इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, देखिए मेरे पास जो है ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि मेरा जो है विंडोज 11 है और आपके पास जो है विंडोज 10 8 होगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन एक्सट्रैक्ट का। बट मेरा विंडोज 11 है, इसके लिए मैं यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट विंडोज 5.8.3 करूंगा तो एक फोल्डर क्रिएट करके दे देगा मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फाइल मेरी आई है वर्ड प्रेस की, ठीक है, इसको मैं कट करूंगा यहाँ से, ठीक है। कट करने के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल एक्स, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ से गौर कीजिए आप लोग, यहाँ से अब तक के पूरे स्टेप एकदम सिंपल थे, अब यहाँ से गौर कीजिए। अब यहाँ से इस फाइल को जो हमने वर्डप्रेस की फाइल को कट किया है, उसको हमको जैम्प में ओपन करके HTDocs नाम का एक फोल्डर होगा, ठीक है, इस फोल्डर में हमको पेस्ट करना है। ठीक है, वर्डप्रेस की फाइल को यहाँ पे मैंने पेश कर दिया, समझ में आ गया आप लोग के यहां तक के। मैं गैप ले लेके बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ सके। कितने लोगों यहाँ तक समझ में आया, क्या ओके बोलिए। ठीक है, थोड़े लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, मैं एक बार वापस से बताता हूँ, ठीक है। और इस बार एक और आसान तरीका बताता हूँ, अब वापस ध्यान से। अभी ये फाइल मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक लास्ट टाइम रिपीट करो, मैं आप गौर से देखिए। हम लोगों ने क्या किया, डाउनलोड में हमने वर्डप्रेस की फाइल को डाउनलोड किया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में इस फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डाउनलोड में है और मुझे कहा, मैंने क्या बताया आपको कि पूरा जो खेल होगा वो सी ड्राइव में होगा, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं सी ड्राइव में जा रहा हूँ अपने कंप्यूटर के, ठीक है। मैं सी ड्राइव में जाने के बाद में, अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था ना, मैं अब डायरेक्ट क्या करूंगा, जैम में पेस्ट करूँ। आप लोगों के लिए एक स्टेप मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ से कट करो वहां पे पेस्ट करो उसकी जरूरत नहीं है। आप जैम ओपन करके जैम में HTDoc का जो फोल्डर है, HTDoc, ये लोकल होस्ट का फोल्डर है, जो मैं बोल रहा था ना जब से आप लोगों के, ये लोकल होस्ट, ठीक है, वो लोकल होस्ट का फोल्डर है। यहाँ पर आपको ये जिप फाइल को पेस्ट कर देना है, समझ में आ गया आप लोगों के। ये जिप फाइल यहाँ पर पेस्ट हो गई, अब आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब ये फोल्डर बन गया, गॉट इट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, अभी ये एकदम आसान तरीका है, अब इसके बाद में कोई और तरीका है ही नहीं, ठीक है। चलो डन, गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर है इसको हमको रीनेम करना है। रीनेम किससे करना है, जो भी हमारा डोमेन होगा, ठीक है,
जो भी हमारा बिजनेस का डोमेन होगा, जैसे मान लीजिए कि आप जो है अपनी अपने स्टडीज खत्म करने के बाद में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करोगे, तो जैसे मैं चैट में देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत से लोगों के नाम है, लईक है, मोहम्मद आमिर है, तो अगर वो अपने नाम से अपनी एजेंसी खोल रहे जैसे मोहम्मद आमिर, तो यहाँ पर आपका डोमेन होगा मोहम्मद आमिर, राइट। तो वही डोमेन को यहाँ पर लिखना है। जैसे अभी मैं मिसाल के तौर पर मैं बना रहा हूँ, तो मैंने अपना नाम लिखा सोहेल, ठीक है, आप कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं पूरा स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ सोहेल, ठीक है। तो मैंने पूरा स्मॉल लेटर में लिख दिया सोहेल, डन, मैंने इसको क्रिएट कर दिया, यानी कि वर्ड प्रेस की फाइल को मैंने चेंज कर दिया अपने नाम से, ये मेरा डोमेन है सोहेल, ठीक है। जब मैं लोकल होस्ट को बताऊंगा कि भाई कौन सी फाइल पे मेरा डेटा सेव होना है, तो मैं वो फोल्डर का नाम वहां पे मेंशन करूंगा कि सोहेल नाम के फोल्डर में मेरा डेटा सेव होगा। समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक का? ओके, डन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ तक का काम हो गया, मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अपना जैम फोल्डर ओपन करना है, सॉरी जैम का जो एप्लीकेशन चल रहा है मेरे पास उसको ओपन करना है। अब उसको ओपन करने के बाद, अब एक चीज मैंने क्या बताया था कि मेरा जो फोल्डर बना है अभी सोहेल नाम का, वो कौन डिटेक्ट करेगा? अभी मैंने बताया था कि वो कौन डिटेक्ट करेगा, कमेंट में कोई बता सकता है अपाचे और MySQL में कौन डिटेक्ट करेगा? अरे वाह, समझदार ऑडियंस है यार आज के दिन, धड़ाधड़ सब MySQL लिख रहे, वेरी गुड, चलो सही जा रहे हैं आप। तो जन, तो MySQL डिटेक्ट करेगा ना, तो मुझे MySQL के बाजू में जो एडमिन का बटन दिख रहा है, राइट, उस एडमिन के बटन पे क्लिक करना है। सी व्हाट हैपेंड, जैसे मैंने एडमिन के बटन पे क्लिक किया, वो फौरन एक पेज ओपन कर दिया जिसका नाम है PHP MyAdmin, ठीक है। क्या किया मैंने, MySQL के बाजू में जो एडमिन का बटन है सिर्फ उस पर क्लिक किया, तो वो लेके गया PHP MyAdmin के पास। ये PHP MyAdmin क्या है, PHP MyAdmin एक क्या बोलते हैं, एक एंट्रेंस है, गेट है, वो गेट है जो हमको वर्डप्रेस के अंदर ले जाने के लिए, एक जो बोलते हैं ना कोड हम लोग इंटर करते हैं कि किस फोल्डर को आपको किस फोल्डर के अंदर जाना है आपको, तो उसको रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। आप MySQL जो रिडायरेक्ट करता है ना, तो रिडायरेक्ट करने के लिए ये एक बैरियर है, ये गेट है, तो यहाँ पर हमको उसको बताना पड़ेगा कि मेरा फोल्डर का नाम क्या है। तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पर न्यू का बटन दिख रहा होगा आपको, इसमें एरो कहाँ पे आता है, यहाँ पे शायद ये वाला न्यू का बटन दिख रहा है आपको, इसका एरो का साइज कैसे बड़ा करेंगे, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, कोई कमेंट में बता सकता है एरो दिख रहा है आपको? यस, देखिए मैं बॉक्स लिया हूँ, ये न्यू का बटन जो दिख रहा है आपको, पता है यहाँ पे दिख रहा है न्यू का बटन, जी यस एग्जैक्टली, सरफराज थैंक यू, मदद कर दिया आपने मेरी, डन। तो यहाँ पर जो है माय न्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है, जैम को हटाओ पहले, न्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। न्यू के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको एक ऐसा डेटाबेस खुल जाएगा, ठीक है। डेटाबेस किसे कहते हैं, डेटाबेस सुनते ही नाम आपको क्या दिमाग में आ रहा है, जरा कमेंट करिए। सुबह वाले कमेंट कर रहे शायद ये पूरा, वाह एक ये कौन है, एडवांस आंसर एकदम खतरनाक है, रवि सिंह DBMS डेटाबेस का शॉर्टकट कर लिख दिए, वेरी गुड रवि। सो डेटाबेस मतलब वो जगह जहां पर हम अपना डेटा रखते हैं, राइट। तो अभी मैंने बताया आपको कि अपना डेटा मुझे कहाँ रखना है, मुझे अपना डेटा कहाँ रखना है, सुल्तान जाबरी ने जवाब दिया सोहेल, एग्जैक्टली जो मैंने फोल्डर बनाया सोहेल, मुझे वहां पर अपना डेटा रखना है, तो मुझे यहाँ पर मानना पड़ेगा नाम सोहेल। अभी देखिए एक चीज समझने वाली बात है, हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमारे पास कम से कम एक क्लास में कम से कम मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं, इतने होते होंगे नहीं पता नहीं, 50 से 60 बच्चे होते होंगे स्कूल में, राइट। अब स्कूल में जब हमारी कॉपी किताब चेक होती थी टीचर के पास, तो हम लोग क्या करते थे, पूरे बच्चे लेके जाकर टेबल पे रख देते मैडम के,
और मैडम क्या करती थी, पूरे बच्चों की बुक्स को साइन करती थी और उसको ओपन करके जो पहले पेज पर नाम होता था वो नाम देखकर वो बुक उस बच्चों को दे देती थी, राइट। अब मान के चलिए मेरा नाम सोहेल है, मैंने अपने बुक में नाम लिखा है अब्दुल खादर, अब्दुल गफ्फार, ठीक है। तो जब मैं टीचर के पास अपनी बुक चेक करवाने लेके जाऊंगा तो वो चेक तो कर देगी, बट जब वापस देने का टाइम आएगा तो पूछेगी कि अब्दुल गफ्फार कौन है क्लास में। भले मैंने टीचर को बुक दिया है बट वो पेज पे नाम पढ़ के बोल रही है कि अब्दुल गफ्फार कौन है। तो उसी तरीके से डेटाबेस में आपको उस नाम को आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा डेटाबेस से कि ये डेटाबेस कहाँ पर जाने वाला है। जैसे मेरे कंप्यूटर में हजारों फोल्डर है, राइट, हजारों फोल्डर में कहीं पर भी डेटा स्टोर नहीं करना है मुझे, उस पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर करना है, तो मुझे वो पर्टिकुलर फोल्डर का नाम दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। और ये कनेक्टिविटी है कि जैम के फोल्डर में मैंने सोहेल नाम का फोल्डर बनाया, वो इस डेटाबेस में मैंने नाम लिखा, तो ये नाम से वो फोल्डर को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये पूरा खेल कौन खेल रहा है, जैम खेल रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर सोहेल लिख दिया मैंने। अब मैंने इसको यहाँ पर क्रिएट का बटन दबा दिया, तो यहाँ पर मेरा डेटाबेस में एक डेटाबेस में मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। ये क्या है पता है आपको, ये पूरी जो स्पेस है ये इन द सेंस ये लोकल होस्ट है अपना, ठीक है। जो हम लोग लोकल होस्ट की बात कर रहे थे जब से, ये वो लोकल होस्ट है, गॉट इट। चलिए अब आते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने पे। अब तक जो हम लोग कर रहे थे वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का सेटअप था, ठीक है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक न्यू लिंक ओपन करके, न्यू टैब ओपन करके हमको लिखना होगा लोकल होस्ट, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश। अब ये लोकल होस्ट किस फोल्डर में हमारा वर्डप्रेस बनाएगा, सोहेल के फोल्डर में, राइट। तो मुझे लिखना है सोहेल, ठीक है, ये समझ में आपको, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश सोहेल। अब मैं यहाँ पर उसको इंटर कर रहा हूं, देखिए क्या हुआ, क्या बता रही है, दो ऑप्शन दे रहा है, एक है पैरेंट डायरेक्टरी, दूसरा है वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस जो है कहां से आया, कोई बताएगा कमेंट में, ये वर्डप्रेस कहां से आया, जो वर्डप्रेस लिखा हुआ आया वो कहां से आया, जी सी ड्राइव में जो मैंने वर्डप्रेस की फाइल को रीनेम किया था सोहेल के नाम से, उसने रीडायरेक्ट किया उस फाइल को और यहाँ पर मुझे वर्डप्रेस की फाइल दिखा दिया। समझ में आपके, अब मैं इसको क्या करूंगा, वर्डप्रेस की फाइल पे एक बार क्लिक करूंगा। अब यहां से इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है हमारा वर्डप्रेस का, ठीक है। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर पूछ रहा है हमारे से लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज में अपना वर्डप्रेस चाहिए वो लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। आप, मैं इंग्लिश ले रहा हूँ, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब उसके बाद में ये मुझे बता रहा है कि डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारे मुझे क्रिएट करना है, ठीक है, इन नेक्स्ट स्टेप। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ लेट्स गो। जब मैं लेट्स गो पे आ गया तो अब यहाँ पे पूछ रहा है डेटाबेस नेम, ठीक है, ठीक है, डेटाबेस नेम। अब डेटाबेस का नेम क्या होगा, कोई आइडिया दे सकता है मुझे? ओहो वाह मीर लतीफ सब, अरे क्या बात यार, गुड गुड गुड, वेरी गुड, अच्छा जा रहे हो। तो डेटाबेस का नाम है सोहेल, ठीक है, जो हमने वहां पे सी ड्राइव में बनाया था, ओके। अब उसके बाद में यूजर नेम, यूजर नेम हमको क्या रखना है वो आप डिसाइड की, अच्छा सुबह की क्लास वाले जवाब दे रहे हैं। देखिए आप लोग रूटर खरीदते हैं, रूटर कंपनी का, कोई भी कंपनी का रूटर खरीदते हैं जो इंटरनेट लगाने के लिए घर में, रूटर लेते हो ना घर में लगाने के लिए, तो रूटर में एक डिफॉल्ट आता है कि एडमिन और पासवर्ड में भी एडमिन, ठीक है, वो हर कंपनी का डिफॉल्ट होता है, राइट, हर कंपनी का। तो इसीलिए डेटाबेस वर्डप्रेस में क्या होता है, आपको यूजर नेम की जगह पे हमेशा ROOT रूट लिखना होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ ROOT रूट, ये हर बार आपको डेटा, अगर आप यूजर नेम की जगह पर आप सोचेंगे मैं अपना नाम लिखूं ये करूं वो करूं, तो वो डिफॉल्ट वे में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा डेटाबेस का नेम जो है, सॉरी यूजर नेम जो है वो रूट रखिए, ठीक है, ROOT रूट। ये पूरे पूरे लोग जो है, पूरे वर्डप्रेस डिजाइनर जो है कॉमन यूज करने वाला टर्म है रूट का, ठीक है ना।
उसके बाद पासवर्ड अब आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं रख रहा हूँ सोहेल 123, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। नहीं, पासवर्ड में भी रूट रखना जरूरी नहीं है, पासवर्ड में कुछ भी रख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, क्योंकि वो आपकी फाइल है, आपको सेव करना है तो आप कुछ भी रख। यहाँ तक समझ में आप लोगों को? नहीं नहीं, मैंने बंद किया था क्योंकि मैं आप लोगों को बताते बताते दूसरे स्क्रीन पे भी काम करना है ना मुझे, फिर मेरी आवाज़ आएगी अंदर बाहर की, तो जैसे जब से थोड़ी देर पहले आप लोग सुन रहे थे फिर वो भी आ जाएंगे आपको आवाज में, ठीक है। चलिए, बट अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ठीक है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब आप इस पेज पे हो तो कभी भी याद रखिए यहाँ का पासवर्ड मत इंटर कीजिए, ठीक है। मैंने कल आपको एक चीज बताया था कि कोई भी चीज रिएक्शन से समझ में आती है, तो जब हम लोग इस पेज पे होंगे तो यहाँ पर पासवर्ड, योर डेटाबेस पासवर्ड मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि डेटाबेस का पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको जब वर्डप्रेस में एक और बार पासवर्ड सेट करना पड़ता है ना, तो वहां पर आपको डेटाबेस कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर मैं मान के चलिए मेरा डेटाबेस का फोल्डर है, मैं उठा के दूसरे सिस्टम में डालूंगा, तो वहां पर मुझे डेटाबेस को फिर से क्रैक करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए पासवर्ड की जगह को यहाँ पर खाली रखिए, नेक्स्ट ऑप्शन में जो आपको आएगा वहां पर आप अपना पासवर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको खाली छोड़ देंगे, और उसके बाद डेटाबेस होस्ट है वो लोकल होस्ट ऑलरेडी ले चुका है, वहां पर कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। अगर एक कॉमा या फुल स्टॉप भी लगाया आपने तो गड़बड़ हो सकती है। फिर टेबल प्रीफिक्स पे वर्डप्रेस, उसके बाद में हम लोग जो है मल्टीपल कंपनीज के लिए काम करते हैं, राइट। मल्टीपल कंपनीज के लिए जब हम काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पर उनके वर्डप्रेस की जो जो साइट होती है उसको हम लोग इंटर करते हैं। बट आप लोग जो है, मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हर कंपनी के लिए अपना अलग एक वर्डप्रेस अकाउंट बनाइए, बट आप मल्टीपल काम मत कीजिए अभी जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते इसमें। तो इस चीज को भी, ये दोनों कॉलम को मत छेड़िए, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स को मत छेड़िए, ठीक है, गुजारिश है आप लोगों से। अब उसके बाद में जो है, अब मुझे क्या करना है, इसको सबमिट करना है। सबमिट करूंगा तो ये मेरा एक अकाउंट के जैसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रन करना है इंस्टॉलेशन को, तो अब मैं यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर अब ये पेज खुला है, ये देखिए, जो हम जब से इंस्टॉल कर रहे थे, मतलब जो जब से हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुला था वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की एंट्री पास था। अब यहाँ पर साइट टाइटल, साइट टाइटल का मतलब है हमारी जो वेबसाइट बन रही है हम उसका टाइटल क्या रखना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपकी कोई फूड इंडस्ट्री है तो फूड इंडस्ट्री के लिए आप क्या टाइटल रखना चाहते हैं, जैसे टेस्ट यू कैन नेवर टेस्ट, और जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री है द सॉफ्ट सॉफ्टर देन एवर यू वेयर, ऐसे जिस तरह से आप लोग टाइटल रखते हैं उस तरह से। तो अब मैं जो है आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं, तो मैं अपना टाइटल रखता हूं सोहेल क्लास, ठीक है, ठीक है, सोहेल क्लास, ठीक है, ब्रांड फैक्ट्री, जो भी आपको टाइटल रखना रख सकते हैं। अब यहाँ पर यूजर नेम फिर से पूछ रहा है, अब देखिए मैंने वहां पे आपको पासवर्ड एंटर करने मना किया था ना, ठीक है, मैंने वहां पे आपको, नहीं, सुनिए कंफ्यूज मत होइए, रूट यहाँ पर नहीं लिखना है। रूट किस लिए लिखे थे हम लोगों ने, वो जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जो पहला स्टेप होता है ना, मतलब पहला एंट्री फॉर्म होता है ना, वो एंट्री फॉर्म था, तो इसके लिए वो कॉमन था, पूरे लोग कॉमन रखते हैं उसको, वहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं रखते और यूजर नेम हमेशा रूट रखते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है ना, ये हमारा लॉग इन फॉर्म है वर्डप्रेस में जाने का। मैंने कल आपको एक चीज बताया था कि हम कहीं पर भी बैठ के अपना वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं, राइट। तो जब हम वहाँ पर जाके अपने फाइल्स इंस्टॉल करेंगे उस सिस्टम में, अपना जो फोल्डर है उसको इंस्टॉल करेंगे, तो ये जो लॉगिन फॉर्म है इसमें जो डिटेल हम लोग इंटर करेंगे ना, वो डिटेल अगर अपन राइट इंटर करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस खुलेगा। तो एक तरह से जैसे हमारा फेसबुक में लॉगिन होता है ना, तो हम यहाँ पर अपना यूजर नेम रखते हैं, तो मैं अपना यूजर नेम रखा हूँ सोहेल, ठीक है। इसको इस चीज से कंपेयर मत कीजिए, मैंने पीछे सोहेल रखा तो यहाँ पे भी सोहेल रखा, मिसाल के तौर पर यूजर नेम मैं रखता हूँ सोहेल, एंड अभी आप ये कौन सी क्लास चल रही है, वेब क्लास ना, तो सोहेल वेब, ठीक है, सोहेल वेब, आपको यहाँ पे डिफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, तो मैंने अपना यूजर नेम रखा सोहेल वेब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कीजिए, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड मैं सेट कर रहा हूँ सोहेल 123,
ठीक है। तो जब जब मुझे लॉग इन करना पड़ेगा मुझे यूजर नेम सोहेल वेब मानना पड़ेगा और पासवर्ड सोहेल 123 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ चलेगा भाई मेरा वीक है मैं एकदम बुद्धू हूँ मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैंने इसको टिक कर दिया, चलेगा मेरा वीक है। तो स्क्रीन शेयर है अदनान भाई, मेरी स्क्रीन दिख रही है, आप जरा अपडेट करिए प्लीज। जी हाँ दिख रही है स्क्रीन आपकी, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखना है। जैसे मान के चले मेरी कोई भी ईमेल आईडी है, ठीक है, ये समझो ये मेरी डमी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है नहीं एक्चुअली, बट मैं फिर भी एक फेक ईमेल आईडी की जैसे लिख दिया कि ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो आपको अपनी एक्चुअल रियल ईमेल आईडी लिखना है, क्यों पता है ये जो डेटाबेस में आप जो भी काम करोगे ना उसके अपडेट्स वगैरह या कुछ भी हो वो आपके ईमेल आईडी पे आएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, मान के चलिए आप अपना ये लॉग इन पासवर्ड जो मैंने सोहेल 123 मारा वो भूल जाते हैं, तो आप जो है अपने ईमेल आईडी पर उसका रीसेट लिंक मंगवा सकते हैं, ठीक है। जो रीसेट के लिए आप लिंक मंगवाओगे वो आपके ईमेल आईडी पे आएगा। तो अपना राइट ईमेल आईडी लिखिए, ठीक है, ओके नेक्स्ट। उसके बाद में हेलो आवाज आ रही है? ओके डन। उसके बाद में यहाँ तक हो गया, अब सर्च इंजन विजिबिलिटी और सब पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, वो आप बाद में डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी वो अपने को इंक्लूड नहीं है, अपने को कोई काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। सी ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, ये बोल रहा है कि ये आपका यूजर नेम है सोहेल वर्ड वेब और ये पासवर्ड है जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे दिखाएगा नहीं, आप जो मैंने लिखा था वो जो पासवर्ड सोहेल 123 थी। अब मैं इसको लॉग इन पे क्लिक करूंगा, लॉग इन पे करने के बाद में मुझे क्या लिखना है, सोहेल वेब पासवर्ड सोहेल 123, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ रिमेंबर मी, भाई मैं भूल जाता हूँ, मैं भुलक्कड़ हूँ, बार बार नहीं मार सकता तो रिमेंबर रख लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लॉग इन किया, सी वर्डप्रेस खुल गया, ये जो कल मैंने लेआउट आपको बताया था वर्डप्रेस का सेम लेआउट मेरे पास अभी खुल के रेडी है। अब मुझे जो है ये वर्डप्रेस के इंटरफेस पे अपनी वेबसाइट बनाना है। तो अभी हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की क्लास यहाँ पर ख़त्म, अब हमको यहाँ से वेबसाइट डिजाइन करना है जो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 15 मिनट मेरे ख्याल से, मेरे एक घंटे की क्लास में 45 मिनट्स मैंने कवर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कवर किया, शायद मैंने जल्दी जल्दी बता दिया आपको, ताकि अब जो 15 मिनट आपको मिलेंगे अब आप उसमें सवाल कर सकते हैं, जो भी जितने भी सवाल फटाफट मैं सबके आंसर दे दूंगा। आप अदनान भाई देखिए अनम्यूट किस तरह से करते हैं, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं ये यहाँ तक आने के बाद में फटाफट जो है स्किप होना चालू हो जाते हैं, क्लास छोड़ के भागने लगते हैं। मैं बोला एंड ऑफ द क्लास में आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक नोट दूंगा जिसमें आपका स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, तो वेट करिए और दूसरों के सवालों से सीखिए कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और आप उसको किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप पूछ सकते हैं, जी हाँ ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन था, इसमें इंटरनेट का कोई यूज नहीं था, मतलब इंटरनेट बोले तो ये खाली रिडायरेक्ट करने के लिए इंटरनेट यूज कर रहा था, बट आप जो है जो मतलब लाइक होस्टिंग और डोमेन खरीद के बनाना था ना वो नहीं है, मेरे पास ना कोई डोमेन था ना कोई होस्टिंग था, फुगड़ में मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको लेआउट खोल के दिखा दिया। ओके तो सोहेल सर ने भी कंप्लीट किया है, एक छोटा सा मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे, कुछ लोगों ने पेड क्लास के बारे में पूछा था, तो पेड क्लास 2 फरवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी और जो लोग के पेंडिंग फॉर्म्स वहां पर है तो कल इंशाल्लाह आप लोग जाके वहां पे वो कंप्लीट कर सकते हैं, और आज के बाद जो फ्री क्लासेस है वो इंशाल्लाह आपकी कंटिन्यू रहेगी, इसमें पेड के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, ना ही पेड क्लासेस लेने के लिए किसी को कहा जाएगा। आज से आपके जो 90 डेज की फ्री क्लास है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी, और जो लोग ऑलरेडी इंक्वायरी करके रखे हुए हैं, फॉर्म फिल करके रखे हैं पेड क्लास का, वो लोग 26 जनवरी यानी कल क्लासेस तो नहीं होगी लेकिन MPM मॉल एबिट्स 4th फ्लोर पर आप जाकर जो आपका प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अभी मैं सैफ अहमद को अनम्यूट कर रहा हूं, तो सैफ अहमद आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो जी, हेलो बोलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम।
जी सोहेल भाई, मेरा एक डॉट ये था कि जैसा आप अभी अपना सोहेल फोल्डर बनाए थे, सोहेल बोल के फोल्डर बनाए थे, ओके हाँ वर्डप्रेस में, यस, हम उसको मल्टीपल फोल्डर्स भी बना सकते हैं या एक पे फिलहाल अभी काम करना है? नहीं, आप मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं, सिर्फ आपको जो है फोल्डर के नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे सोहेल है और अभी हमारे साथ मिस्टर अदनान है और आपका नाम जी है, तो आपको रिडायरेक्ट करने के लिए जैसा जैम्प में जैसे हम लोग ने वहाँ पे लोकल हाउस का नाम डाले थे ना, जी जी जी, फोल्डर नेम टू फोल्डर नेम वो डिटेक्ट करते हैं ना, तो आपको बराबर उन फोल्डर्स के नाम सेलेक्ट करना पड़ेंगे आपको उस वेबसाइट के लेआउट पे जाने के लिए। ओके ओके ओके, जस्ट बस ये एक सवाल था भाई के, तक क्लास तो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह समझ नहीं आ गई मुझे, बस एक छोटा सा डॉट था बस, शुक्रिया सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक डाउट था, ये जो आप सही टाइटल में डाले थे आपका नाम, तो सही टाइटल में जो कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनी का वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग जी, तो उसका नाम डाल सकते हैं ना? ये थोड़ा सही टाइटल में क्या डालना है, किस लिए होता है वो? ठीक है, मैं एक मिनट में बता रहा हूँ आपको, अभी मैं वो भी बता देता हूँ, साइट टाइटल आपको दिखेगी कहाँ पे, मैं बता रहा हूँ एक मिनट। सर जब तक के लिए आप लोग को म्यूट कर लीजिए, जब म्यूट ना हो तब अनम्यूट कर सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा जब तक म्यूट करिए। मेरे क्रोम की, मेरे इंटरनेट की स्क्रीन दिख रहा है आपको क्रोम की? जी हाँ। See, ये जो है ये देखो साइट टाइटल यहाँ पे दिख रहा है आपको, सर अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया अनम्यूट। जावेद सर किसने पूछा था, जावेद या अब्दुल वहीद किसने पूछा था क्वेश्चन, अपने तरफ से अनम्यूट करके देख लीजिए एक बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए जी। ये वर्डप्रेस विंडोज 7 में भी इंस्टॉल होता सर? हाँ होता ना, विंडोज 7 में होता है, 8 में होता है, लाइनक्स में भी होता है। और अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई पूरी क्लास। हेलो, हाँ सर, ये अभी देखा मैं सवाल किया था जी, ये साइट टाइटल का जी, ये सोहेल क्लास है ना जी, जो ऊपर दिखा रहा है जी, वो क्या वेबसाइट में दिखाएगा? वो लाइव जब करेंगे नहीं दिखाएगा? नहीं नहीं, आप देखे साइट टाइटल जो है अभी हम लोग ने इसलिए रखे हैं कि अभी वेबसाइट बनी नहीं ना, यहाँ पे खाली ऐसे भी है सोहेल टाइटल, तो हम लोग डिटेक्ट करने के लिए लगे, जब हम लोग साइट पे जाएंगे तो सोहेल टाइटल का नाम आएगा, सोहेल क्लास का टाइटल से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरी क्लास है, मेरी साइट है। जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोग यहाँ से टाइटल को हटा देंगे, खाली वेबसाइट के लेआउट पे चेंजेस करेंगे। ओके ओके ठीक है सर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। फहीमुद्दीन, नजीब अहमद। वालेकुम अस्सलाम। जानते हैं आप अपाचे स्टार्ट करो, इधर आ रहा है सर। अरे क्या जाम पे क्या आ रहा है? इधर आ रहा है वो, मतलब द प्रोग्राम कांट स्टार्ट बिकॉज़ एपीआई डैश एमएस डैश विन डैश कंट्रोल डैश रन टाइम डैश फिर इंस्टॉल कीजिए फ्रेशली। देखो एक चीज आप लोग गौर कीजिए, एंटीवायरस कभी भी ऑन रख के करोगे ना तो आपके कुछ फाइल उड़ जाएंगे, अगर फाइल उड़ गए ना तो जैम रन नहीं करेगा, तो इसके लिए कभी भी एंटीवायरस। वालेकुम अस्सलाम जी सर, ये मैंने अभी जब आप मॉर्निंग क्लास अटेंड करे थे सर मैं, तो अभी मैं ये ऐप डाउनलोड जैम्प जो है ना डाउनलोड किया हूँ, लेकिन इसमें मुझे कुछ ऑप्शन बता रहा है कि इम्पोर्टेंट है बिकॉज अनएक्टिव एंड
activated user account control on your system, some functions of XAMPP are possibly restricted with UAC. Please avoid to install XAMPP2C program file, missing write permissions, or deactivate UAC with MS configuration after this is set up. So, sir, ये मैम आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए सबको जो एरर आ रहा है ना वो ये तो एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, जिसको भी सॉफ्टवेयर का एरर आ रहा है तो प्लीज ये क्वेश्चन सभी का एक ही एरर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा एक बार आप लोग गौर करके देखिए। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी सबको जो मिसिंग फाइल का जो एरर आ रहा है ना वो एंटीवायरस की वजह से आ रहा है। देखिए आप अपना ये जो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको सबको, यस सर, एक मिनट रुकिए मैं मेरी पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर एक एक पेज के अलग अलग नहीं दिखेगी आपको। शेयर ऑल स्क्रीन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बॉटम पे मेरा ये जो एरो दिख रहा है, टॉप एरो टास्क बार में, यस सर, वहां पे क्लिक करूंगा तो मेरा एंटीवायरस का मेरा जो टूल है वो दिखेगा, राइट, आइकन दिखेगा एंटीवायरस का, दिख रहा है आपको? नो सॉरी, ब्लू कलर, ये पे एंटीवायरस का ऑप्शन नहीं दिख रहा, एक शील्ड दिख रहा है जिस पर राइट कलर का दिख रहा है। ओ, एक मिनट सर, स्क्रीन कुछ क्रैक हो रहा है। अब दिखा सर, आपको कर्सर कहाँ पर है सर? नीचे राइट साइड देखिए, नीचे की तरफ राइट साइड स्क्रीन पर, नीचे राइट साइड, जी सर, हाँ अब शो हो गया सर। हाँ तो ये जो एंटीवायरस का आइकन है ना, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, आपको एक एंटीवायरस का पेज खुल जाएगा, ठीक है जी सर। यहाँ पर आपको वायरस एंड थ्रेट्स ऑफ प्रोटेक्शन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस ऑप्शन, जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का है, इसके लिए मुझे यहाँ पर दिखाया, आपका अवैश का हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो आप यहाँ पर जाके इसको मेरा यहाँ पर प्रोडक्शन में जो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसे ही चलता है, आप लोग जो है अपना ऑफ कर दीजिए एंटीवायरस प्रोटेक्शन और उसको इंस्टॉल कीजिए। मैनेज सेटिंग पे क्लिक कीजिए, मैनेज सेटिंग पे क्लिक करके अपना एंटीवायरस ऑफ कीजिए, एंटीवायरस ऑफ कर देना सर। नोटिफिकेशंस वगैरह सर, लेकिन ये इसमें ये नहीं शो हो रहा, इसमें ऑफ, इसमें सारा रियल टाइम प्रोटेक्शन है, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन है, रियल टाइम प्रोटेक्शन पे क्लिक कीजिए आप। यस सर, ये ऑफ हो गया। हाँ तो अब आप अपना पहले XAMPP अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिए। तो सर अभी ये जो डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस इज यस सर। यस यस सर, ये ऑफ हो गया, और कुछ ऑफ करना है सर इसमें भी? नहीं बस, अब रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ कर देना, अब खत्म हो गया आपका काम, पहले इसको अनइंस्टॉल कीजिए। मैकएफी में जो है, मैकएफी जिसके पास एंटीवायरस है, उसका जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर एंटीवायरस का ऑप्शन दिखेगा आपको। सर अभी मैं वो जो ऑप्शन आया था ना इम्पोर्टेंट नोट वाला, वो कैंसिल करने में पर मेरे को ये सेटअप XAMPP आया, वेलकम टू द XAMPP सेटअप विजार्ड विद नामी, तो नेक्स्ट क्लिक करना सर। यस, पूरा नेक्स्ट करते जाइए। यस और ड्राइव कौन कीजिए, ड्राइव कौन सा दिखा रहा है, सी या डी? सी है सर। ओके नेक्स्ट। यस सर, इट्स अ लोडिंग, हो गया सर अभी ये डन। और से हेलो टू योर फेवरेट, थैंक यू सो मच सर। तो फिर नेक्स्ट कितना ही है सर ये अभी आज का? हाँ XAMPP हो गया ना आपका, आपको वो XAMPP की ऐसी स्क्रीन आ गई होगी राइट? ये नहीं है सर, अलग से है, कुछ लोगो आया सर उसका, नहीं वो लोगो आया होगा लेकिन नीचे देखिए राइट साइड में आपको XAMPP की जैसा यहाँ पे मेरे को आया ना वैसा आपको भी आया होगा XAMPP का। नहीं सर, ये वर्डप्रेस का है ये। प्लीज यूज XAMPP फॉर OS एंड द लेटेस्ट वर्जंस ऑफ द एड्स एडवांस, चेक XAMPP फॉर मोर इन्फॉर्मेशन है सर। आदनान भाई को आपका स्क्रीनशॉट भेजा दीजिए, मैं चेक करता हूं सर। व्हाट्सएप सर, ग्रुप एडमिन पे जो है 7460 मेरा नंबर जो मैंने आपको शेयर किया था उस पे आप व्हाट्सएप मुझे शेयर 7479032 मैं नंबर फिर से बोल रहा हूं जी सर, 9032 08 08 7463 7463 जी सर, इसी पे अभी कर दूं सर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लतीफ अली।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो ZAMP इंस्टॉल कर रहे ना सर, उससे पहले का प्रोसेस कुछ मालूम हो सकता सर? वीडियोस वगैरह मतलब ZAMP इंस्टॉल करने से पहले कुछ करे थे ना आप? ZAMP इंस्टॉल करने से पहले का प्रोसेस मैंने कुछ बताया नहीं आपको, खाली डाउनलोड करने का बताया जी। नहीं सर, वो रिसेंटली क्लास हम नहीं देखे थे तो। अच्छा, कल की क्लास का प्रोसेस पूछ रहे हैं आप? जी जी, कल की क्लास का क्या था प्रोसेस? हाँ, तो आप एक काम कीजिए ना, अभी मैं इतने छोटे गैप में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कल मैंने सिर्फ यही बताया था कि वर्डप्रेस को, वर्डप्रेस के अलावा अपने पास ये देखिए पीपीटी में दिख रहा है, वर्डप्रेस के अलावा हमारे पास कौन कौन से टूल्स है जिससे हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, तो ये सर थोड़े टूल्स के बारे में बताया था। और हम लोग जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बजाय वर्डप्रेस ही क्यों यूज करते हैं वो बताया था, और वर्डप्रेस के बेनिफिट्स क्या है वो बताया था, बस और कुछ नहीं बताया। आज ही मैं मेन क्लास ले रहा हूँ वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की। जी सर, ये वर्डप्रेस अपन जी जी ये वर्डप्रेस ये वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज करते ना सर? यस एग्जैक्टली, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं जी, डिजाइन करने के लिए। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं जाना था अर्जेंट बोल के, तो मेरे ख्याल से दावत वावत में जाना होगा, खाना ठंडा हो रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट लेके चले जाइए आप। अब्दुल्ला खान नेक्स्ट। ओके सर। जज़ाकअल्लाह खैर सर। कोई बात नहीं है, सैफुल रहमान है, पाशा शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी माय नेम इज मोहम्मद सैफुल रहमान। जी बोलिए मोहम्मद साहब। जी सर, ये ZAMP के ZAMP के बिना वर्डप्रेस ऐप डाउनलोड होता सर? होता, लेकिन रन नहीं होता वो वर्डप्रेस सर, लेकिन हमारा कंप्यूटर बहुत हैंग होता सर, उसके अंदर कैसे रिस्टोर करना समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ तो एक काम कीजिए ना, आप अनवांटेड जो भी चीजें हैं आपका पिक्चर है, फोटोज वगैरह है, स्पीड सही नहीं है सर, स्पीड बहुत स्लो है हमारी कंप्यूटर की। आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट 2 GB रैम रखिए और 250 GB भी एटलीस्ट मिनिमम स्पेस रखिए, तो आपको वो रन करेगा। अब उससे नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। मैं मुख्तार पाशा बोल रहा हूँ। जी बोलिए मुख्तार पाशा साहब। जी वो मैं ऑलरेडी ZAMP डाउनलोड किया, लेकिन अभी जब जैसे आप बताए थे एंटीवायरस को भी ऑफ कर दिया, वो भी कर दिया मैं, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए उसमें क्या बता रहे हैं, द ऐप यू आर ट्राइंग टू इंस्टॉल इजंट माइक्रोसॉफ्ट वेरीफाइड ऐप, गेट ऐप फ्रॉम स्टोर और इंस्टॉल एनीवे बोल के बोल रहा है। इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक कीजिए आप। भाई मैं इंस्टॉल एनीवे किया तो मिस्टर दिस ऐप कांट रन ऑन योर पीसी, टू फाइंड ए वर्जन फॉर योर पीसी चेक विद सॉफ्टवेयर पब्लिशर बोल के क्लोज बोल के आ जा रहा है। आप कौन सा वर्जन स्टार्ट डाउनलोड किए जो मैंने बताया, बेसिक वर्जन वो डाउनलोड किए? वो नहीं मालूम सर, फिर मैं इसको अनइंस्टॉल करके फिर कर। हाँ तो मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि जो बेसिक पहला वर्जन है वही डाउनलोड कीजिए, अपडेट वर्जन पे मत जाइए। अच्छा, मैं बेसिक वर्जन कर सकता हूँ इंशाल्लाह। वो एक और एक सवाल है सर, वो अपाचे और MySQL के बारे में जरा एक बार फिर जरा बताइए। अपाचे जो है आपका फाइल रिडायरेक्ट करने में मदद करता है, और MySQL बताता है कि वो फाइल कहाँ है, ठीक है ना? रिडायरेक्ट। हाँ बस। और ओके थैंक यू। नेक्स्ट मुख्तार पाशा, सैयद अशफाक खान, मोहम्मद आमिर। सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए, जिसको भी आपको म्यूट किया हुआ है हैंड के। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं कल भी सेम प्रॉब्लम सेम इश्यू दे रहा था एंटीवायरस रहने की तरफ से, तो उसको अनइंस्टॉल ही कर दिया सर मैं एंटीवायरस को। ओके, क्यों बोले तो आप जो ऑप्शंस बोल रहे थे वो ऑप्शंस नहीं आ रहे, और वो एंटीवायरस एक्सपायर हो गया था, फिर भी उन्होंने जो है इसको गिची कर दे रहा है इंस्टॉल करने। अच्छा, उसको डिलीट कर दिया। अब इंशाल्लाह कर तो मैं प्रोसेस फिर से वीडियो देख के ZAMP करेंगे। ओके ओके। नेक्स्ट अब्दुल्ला खान, नेक्स्ट।
लईक अहमद बता रहे कि मेरा जो एप्लीकेशन है बिना इंस्टॉल करे ओपन हो गया बोल के, तो वेरी गुड, अगर ओपन हो गया तो अच्छी बात है। जैम लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके भेज देंगे एडमिन साहब, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। हेलो सर जी, बोलिए। मैं विजेता बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं कंफर्म करना चाहती थी कि आपने एक बार बोला था विंडो 11 हो तो हमें ये ऑफ करने की जरूरत नहीं होगा जी, तो ये कंफर्म करना चाहती थी कि हम मेरा सिस्टम विंडो 11 हो तो ये कौन सा वाला ऑफ किया था। नहीं, ऑफ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक करो, आप डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ओके ओके। और वन मोर थिंग, जब टेन विंडो 10 या 8 हो तो हमें ऑफ करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल होने के बाद तो इंस्टॉल होने के बाद में ऑन कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हो आप। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हेलो सर जी, बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद अफजल ईमान है। अफजल ईमान, ओके बोलिए। सर आप ये सर्च इंजन रहता बोल के बोले ना सर। सर्च इंजन कैसा काम करता सर? मैं सर्च इंजन के बारे में बोला क्या? मेरे पूरे सेशन में कहीं पे भी मुझे नहीं लगता मैं बोला। कल बोले सर आप सर्च इंजन से रहते ये वो बोल के, सर्च इंजन रहता ये वो बोल के बोला क्या मैं? नहीं, मैं सर्च इंजन। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, पहले ईमान साहब का जवाब दे दूं मैं। सर्च इंजन के बारे में मैं नहीं बताया, सर्च इंजन के बारे में रमेश भाई बताएंगे। सर्च इंजन बोलते हैं जो हमारा डोमेन हम लोग सर्च करते हैं ना, उस सर्च इंजन को बोलते हैं वो www.worldwideweb, उसको बोलते हैं सर्च इंजन, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। सर इन केस मैं अब दूसरे डिवाइस में ये सब पूरा क्रिएट करा, मेरे को दूसरे डिवाइस में मेरे को बनाना है, तो फिर से इतना सब पूरा करना रहेगा? पहले जैम डाउनलोड करके फिर बाद में वर्डप्रेस। आप जितने भी डिवाइस में करना चाहते हो उसमें हर एक डिवाइस में सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये वर्डप्रेस की लिंक भेजिए ना हम आपको। मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में हो गए तो ऑलरेडी मैंने कुछ देर पहले शेयर किए, अगर कोई लोग ग्रुप में नहीं है तो फिर से मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और लिंक फिर से सेंड करूंगा। काम कर समय चैट स्क्रीन में भी डाल देता हूं, आप लोग ले लो। बोलिए सर, कौन है आप? सवाल करिए जी। क्या मैं अदनान साहब से मुतातिफ होना चाहता हूँ? अदनान साहब, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करा, काइंडली प्लीज मेरे को ग्रुप में ऐड कीजिए जी। जी, और अगर कुछ कल क्लास है या नहीं है? नहीं, कल क्लास नहीं रहेगी, 26 जनवरी के दिन छुट्टी है जी। अगर कुछ भी अगर कल में इंस्टॉलेशन में अगर कुछ कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको अगर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करा तो सर से अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ तो मुझे अच्छा, भी इतना नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ ही सीख रहा हूँ। ओके, चलिए। चैट में लिंक है, आप लोग ले लीजिए, चैट में भेज दें। ओके सर, थैंक यू। एक बैग भी है। मोहम्मद आमिर इकरम कुरैशी। वालेकुम सलाम, बोलिए। वालेकुम सलाम सर, ये जो जैम इंस्टॉल करे बाद में से वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को जब अपन खोलते हैं तो जैम के फोल्डर में जाके आप क्या किस में पेस्ट करो बोले इसको? HTDoc। अच्छा ठीक है, HTDoc में सेव करके फिर वहां से इंस्टॉल करना वर्डप्रेस। वालेकुम सर, नाम रखना है, नाम रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद में जैम का जो इंटरफेस खुलेगा उसमें MySQL के बाजू में एडमिन का बटन होगा जी, वहाँ पे क्लिक कर देना, आपको माई एडमिन का पेज खुल जाएगा जी। उसके ऊपर अपने को फिर अपना डोमेन नेम नहीं माई लोकल होस्ट और स्लैश मार के हम नाम मारना बोले ना। नहीं 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 नहीं
ठीक है, आपने सवाल किया, आपकी वजह से दूसरों को भी फायदा हो जाएगा। रुको मैं बताता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ सेशन ऑन स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, जब आप वहां पर रिनेम कर दोगे ना, रिनेम करने के बाद में आपको यहाँ पर माय एडमिन पे क्लिक करना है। जी हाँ, सेकंड माय एसक्यूएल के एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपको एक ऐसा पेज खुलेगा PHP माय एडमिन। वहां पर आपको न्यू पे क्लिक करके अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करोगे, वो उस जो आपने फोल्डर रिनेम किया है ना, वहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर करने के लिए वो डेटाबेस नहीं बनाएगा। समझे मेरी बात? और इस डेटाबेस का नाम आपको वही रखना है जो आपने अपने फोल्डर का नाम रखा है। जी। उसके बाद आपको यहाँ से क्रिएट का बटन दबाना है। जी। क्रिएट का बटन दबाने के बाद आपका डेटाबेस का नाम यहाँ पर शो होगा। दिख रहा है यहाँ पे मेरा नाम सोहेल बोल के शो हो रहा है। जी, हाँ। तो उसके बाद में जब ये आपको यहाँ पर अपना नाम शो होने लगेगा, तब आपको वो नाम यहाँ पर मानना है। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश फिर मेरा नाम जी, और आपको इंटर करना है, तो आपका वो वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन का पेज है वो खुल जाएगा। जी अच्छा, वर्डप्रेस में इंस्टॉलेशन का पेज जब ओपन होता है अपने को, खाली ZipRar की जो फाइल रहती है अपने को वहाँ पे पेस्ट करके रीनेम करके पूरा ये प्रोसेस करना है। यस एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए सर। ये इंस्टॉलेशन, जैम इंस्टॉलेशन के बाद में एक मैसेज आ रहा सर कि C/ZAM फोल्डर में स्पेस नहीं है, बोल के आ रहा कितना स्पेस आपको दिखा रही है, बोलिए। एमटी स्पेस, स्पेस है सर, एमटी स्पेस बहुत सारा स्पेस है सी ड्राइव में। हाँ, ऑलमोस्ट आपका जो स्क्रीन पे आ रहा ना, इससे भी बढ़ के स्पेस है मेरे उसमें। तो आप क्या 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 पेश कर रहे थे जब आपको आ रही है प्रॉब्लम? मैं पूरा ZAM इंस्टॉल कर दी थी, उसके बाद आ रहा था, पूरा लास्ट में इंस्टॉलेशन पूरा हो गया, उसके बाद वो ये फोल्डर ये बता रहा, उसके बाद में वो ओके ही नहीं हो रहा, मतलब फिनिश हो रहा ही नहीं, प्रोसेस आगे नहीं हो रहा। नीचे आपको ऐसा ZAM का कुछ आइकन दिख रहा क्या? आइकन भी है, और वो जो और एक जो बाद में जो फिनिश के बाद जो फोल्डर आता ना, स्टॉप स्टार्ट एडमिन, हाँ ये वाला भी बताया, बट ये फर्दर कुछ भी नहीं हो रहा आगे, मतलब। हाँ तो सी आपको ये जो बता रहा ना, हाँ, मतलब आपका ZAM इंस्टॉल हो गया, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन दोनों क्लिक करना है। जी हाँ, वो क्लिक करी मैं, तो इसमें क्या है मालूम, एपेक में जो है, एपेक अगर मैं क्लिक करी तो यहाँ पे कुछ रेड में कुछ मैसेज आ रहा था कि इट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग समथिंग समथिंग बोल के आ रहा था। ओके, नॉट रेस्पॉन्डिंग कुछ बोल के आ रहा था, एपेक में आ रहा था। ये MySQL में कुछ नहीं आ रहा था, बराबर चल रहा था वो। और फिर वर्डप्रेस डाउनलोड करने के बाद में, पूरा प्रोसेस होने के बाद में, डेटाबेस का जब मैं बनाई, उसके बाद में जब मैं फोल्डर, नया फोल्डर खोल के लोकल होस्ट स्लैश मारे, तो वो पेज नॉट रेस्पॉन्डिंग बोल के बता रहा था। हाँ, तो आप जो है पेस्टिंग करने में थोड़ा गड़बड़ करते होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे पेज, जैसे मैंने ये वर्डप्रेस पेस्ट किया ना, ये पेस्ट करने के बाद में जब ZAM के फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर एचटी डॉक में जब हम लोग पेस्ट करते हैं ना, हाँ, तो यहाँ पर ये zip फाइल को भी रखिए आप, ये जो zip फाइल है ना, जो ये zip फाइल है, ये भी पेस्ट कीजिए। जी ठीक है सर, ठीक है सर। और रीनेम करना है, ये जो अंदर जो फोल्डर जो हॉट उसमें डाले थे उसको रीनेम करना है। जी यस, रीनेम करना है। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो किसको कॉल करना सर? अब आप एक, अब कल जो छुट्टी है, कल आप जो है वीडियो देखते देखते आप उसको फिर वापस से रिपीट करिए। अगर देखिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो वीडियो मोबाइल में देखते देखते अपने पूरा ZAM वगैरह अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके वीडियो देखते देखते इंस्टॉल कीजिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है सर, प्रॉब्लम आया उसको नोट करके रखिए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, नमस्ते, जज़ाकअल्लाह खैर। नो प्रॉब्लम सोहेल सर, मैंने कुछ
व्हाट्सएप पे आपके सेंड किए हैं, एक बार चेक करिए कि कुछ लोगों को ऐसे एरर आ रहे हैं। देख रहा हूँ। जब तक कोई दूसरा सवाल कर लीजिए, मैं देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सर ये एक मिनट सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। पेस्ट कर दिया सर, उसके बाद क्या करना? क्या क्रिएट कर दिए? वर्डप्रेस को पेस्ट करा सर, एक्सट्रैक्ट करने का है, उसको कैसा करना सर? एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको राइट क्लिक करिए आप। जी सर, राइट क्लिक करा मैं, एक्सट्रैक्ट ऑल बोल के बता रहा सर यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट ऑल बोल के नहीं, एक्सट्रैक्ट ऑल के बाद में दूसरा या तीसरा ऑप्शन देखिए, उसको फोल्डर नाम दिखा रहा होगा आप। नहीं बता रहा सर। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसा बताएगा वो। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी हाँ सर, दिख रही है। आपको यहाँ दिखा रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट हियर और एक्सट्रैक्ट विंडोज वर्डप्रेस 5.8.3 जैसा मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। नहीं बता रहा सर मेरे पास। तो आपको क्या क्या दिखा रहा है? ओपन बता रहा, ओपन इन न्यू विंडो बता रहा, एक्सट्रैक्ट ऑल बता रहा, पिन टू स्टैट बता रहा, स्कैन विद माइक्रोसॉफ्ट बता रहा, ओपन विद बता रहा। नहीं, एक काम कीजिए आप, एक पहले एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कीजिए जी, और उसके अंदर उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिए, वरना क्या होगा पता है? वो पूरे फाइल्स आपके इसमें आके पड़ जाएंगे। इसके लिए आप लोग क्या करिए, पहले विन एक्सट्रैक्टर को डाउनलोड कर लीजिए। विन एक्सट्रैक्टर डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है। आप जाके खाली गूगल में विन एक्सट्रैक्टर मारिए, आ जाएगा आपको विन एक्सट्रैक्टर आ जाएगा। पहली लिंक पे क्लिक कीजिए और कोई भी एक विन एक्सट्रैक्टर की फाइल डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए नीचे दिखा रहा है आपको डाउनलोड नाउ का बटन, डाउनलोड विन। आप उसको क्लिक करेंगे तो विन एक्सट्रैक्टर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर जैसा मेरे को ये ऑप्शन दिखा रहा है ये वाला, राइट क्लिक करने के बाद में एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस फोल्डर बोल के, तो उस तरह से मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को फोल्डर बन के आ जाएगा। जी सर। सर ये जो जिप फाइल है ना सर, वो भी नहीं बता रहा था मेरे पास, सिर्फ फोल्डर ही बता रहा था। कौन सा? नहीं, आप जिप फाइल आप फिर आप डायरेक्ट वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो उस वजह से आपको ऐसा दिखा रहा होगा जी। वापिस से उसको कॉपी पेस्ट कीजिए। ठीक है सर। नेक्स्ट कोई है और सर? मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर ली वर्डप्रेस, अब आगे क्या करना है सर? एक्सट्रैक्ट किसको? वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर दिए? हाँ कर दी सर। हाँ, वो जिप और वो जो एक्सट्रैक्ट, दोनों जो फोल्डर है ना, यानी कि जिप कर, जिप की फाइल और जो फोल्डर है एक्सट्रैक्ट करे, दोनों फाइल एसटी डॉक में पेस्ट करे। वो किधर रहता है सर? डाउनलोड में? जैम की फोल्डर में रहता हूँ। ओके। सर आपको अदनान भाई व्हाट्सएप पे कौन भेजा आपको इमेजेस से? जरा उनको अनम्यूट करिए। सोहेल भाई, काफी मैसेजेस आए, मैं एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन पे ले लीजिए अगर इफ पॉसिबल, वो आप ले सकते हैं। हाँ ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। और कुछ मैसेजेस आए मेरे पास? ये किसकी इमेज है? देखिए सब लोग एक बार स्क्रीन पे आ जाइए फिर से, और म्यूट करके रखिए, और चैट में से आंसर दीजिएगा प्लीज।
सोहेल भी शायद वो सुन रहे होंगे, आप इसका अगर इस तरह का एरर आता है मैं क्या करना है वो आप बता दीजिए। नहीं मेरे को एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि ये सेव कहाँ कर रहे थे। सर मैं भी सेंड किया था फोटो, वो एंटीवायरस ऑफ करने के लिए बोले थे सर आप, मैं ऑफ करने के बाद भी वही एरर बतला रहा। कहाँ पे आपकी फोटो नहीं है ना? मैं ये वाली the program cannot be cannot start because API MS win cut for runtime 1.1 deal is missing। ये ऑलरेडी आप ऑलरेडी इंस्टॉल करे थे ना, मैं बोला आपको पूरा अनइंस्टॉल कर दो। करा सर, फिर डिलीट कर मेरे पास, फिर एंटीवायरस ऑफ करके फिर मैं। नहीं नहीं सुनिए मेरी बात, पूरा अनइंस्टॉल करने के बाद में आप जब यहाँ पर आएंगे ना तो डी में आपके पास ये वाला जो फोल्डर है ना जैम का, वो फोल्डर उसी तरह से रहेगा। ठीक है जी, जी इस फोल्डर को भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। फोल्डर को भी डिलीट कर, हाँ फोल्डर को भी, और डिलीट करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करा सर मैं, वो और भी है शायद। ठीक है सर, ट्राई कीजिए एक बार, ट्राई करिए। वीडियो भी मैं अभी शेयर करूंगा कुछ देर में, वीडियो से देख के ट्राई करिए आप लोग, कल का दिन भी आप लोग के पास ट्राई करिए। अगर इन केस नहीं होता है तो हम लोग जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आप दूसरे जो स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर थोड़ा एक बार देखें। देख रहा हूं, एक इसका है, दिस होस्ट इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट हिमसेल्फ। अच्छा ये मीटिंग की लिंक भेजिए, वेरी गुड। एरर कॉपीइंग फाइल फ्रॉम बैक टू एचपी, ओके डाउनलोड एग्जाम विंडोज एग्जाम। कॉपी करने का एरर है, ये वो डायरेक्ट फाइल कॉपी कर रहे होंगे इसके लिए एरर आ रहा होगा। आप डायरेक्ट फाइल कॉपी नहीं करना, जैम के अंदर जाके पेश करना, लोकल होस्ट एचटी डॉक्स में पेश करो, आपको ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट फाइल एचटी डॉक्स में पेश करो, एरर नहीं आएगा। पहले विन फाइल जो है ना, जिप फाइल है ना, जिप फाइल पेश करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट करो एचटी डॉक्स में, तो एरर नहीं आएगा। ये क्या है, ये जैम को जो ये जो है जिप फाइल को उन्होंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करके वहां से एक्सट्रैक्ट करना, तो आपको फोल्डर बन के आ जाएगा। या फिर ये फोल्डर यहाँ से जो वर्डप्रेस का लिखा हुआ दिख रहा है वो, उसको भी कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके फिर उसको बाहर पेश करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो एक्सट्रैक्ट कर ले तो बेहतर है। नेक्स्ट, ये जो है ये मैसेज उस वक्त आता है जब आपका क्लिक ऑन ऐप स्टार्ट डाउनलोड, ये डाउनलोड का जो स्क्रीन है ये गलत बता रही है आपकी, कौन है मेरे ख्याल से लिंक पे आप नहीं गए। या फिर आपका जो है इंस्टॉल होने के बाद भी एक ऐसी लिंक खुलती है, आपको नीचे जो है ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं आइकन होगा जैम का आइकन, उसको आप क्लिक करिए, या फिर इसको मिनिमाइज भी करें तो आपको जैम का स्क्रीन दिख जाएगी। नेक्स्ट, ये वाला एरर का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये फोल्डर कहाँ पे पेश करे, क्या कॉपी करे, इसमें कुछ डिटेल नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा मुश्किल है बताना। और कोई है जी? और दो तीन फोटो मैंने भेजा, देख लीजिए एक बार। फॉरबिडन एरर आ रहा है आपको, आपने जो है यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस द रिसोर्सेज। ये आप जो है लिंकिंग करने में गड़बड़ हो गई होगी आपकी, तो लिंक बराबर कीजिए वापस एक बार इसको। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बोला ना आपको, यहाँ से डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है यहाँ से सी ओपन करके फिर उसके अंदर जैम ओपन करके फिर उसमें एस टी डॉक ओपन करके फिर ओके करना पड़ेगा, तो वो वहां पर कॉपी हो जाएगा। गॉट इट? मेरे ख्याल से जिसके जिसके चैट स्क्रीन है वो बराबर सुन के समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो अपनी तरफ से अनम्यूट कर आप बात कर सकते हैं किसी को अगर बात करना है तो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सर ये जो अभी आप बोले थे ना कि अभी वो फोल्डर्स मिनिमाइज करने पर मुझे एक फोल्डर शो होगा, वो अभी मैंने सर के नंबर पर अभी सेंड किया। सर जरा देखिए, वेलकम टू जैम बोलकर अभी डाउनलोडिंग हो रहा है सर, अभी डाउनलोड हो रहा है।
मैम आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अस्मा जबीन शायद आपका नाम है जी सर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा, वीडियो के थ्रू आप एक बार पूरा सा चेक करते हुए स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करिए। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, बोलिए 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 सर, दिस इज गुप्ता हियर, वी हैव होस्टिंग, ओ सॉरी डोमेन नेम सर, सोहेल सर की वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, सोहेल सर आप लाइन पर हैं? लाइन पर हूं, आप मैं लाइन पर ही हूं, आपको आवाज आ रही है? हां अभी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। व्हाट इफ वी हैव डोमेन नेम सर, आपके पास डोमेन है तो आप क्या कर सकते हो उसको अपना लेआउट बनाने के बाद में उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो डोमेन के साथ में, उसका प्रोसेस बताऊंगा आगे चल के, हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है जारा नाम के, तो वो भी आपको जो है डोमेन लिंकिंग वगैरह सब एक्सपर्ट है, वो बताएंगे आपको, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये PHP आया था सर बीच में, क्या है सर वो? कहां पे? जब XAMPP फाइल इंस्टॉल करे बाद, PHP लैंग्वेज है जो डिजाइनिंग की लैंग्वेज होती है ना, जैसे HTML है, जावा है, PHP है और jQuery है, React.js है, ये सारे लैंग्वेजेस है वेबसाइट डिजाइन करते हैं सर, टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं सर अपन, अपन यस यस वर्डप्रेस में बना के पूरा एक बैंक बनाकर अपन सेल कर सकते हैं सर। यस यस कर सकते हैं, बना सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अभी देखिए सर ये वर्डप्रेस जो है वो कॉपी भी कर लिया, एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट भी कर दिया। ओके हाँ, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, ये कंट्रोल पैनल में कुछ करने का है सर? आपका लैपटॉप नहीं दिख रहा मुझे बराबर से, ये मैं कॉपी पे यहाँ पे। ओके, आप जो है वर्डप्रेस को क्या करें, कॉपी कर दिया, वो क्या बोलते हैं स्टार्ट के दोनों बटन दबा दिए। हाँ कर दिया सर, स्टार्ट कर दिया, और एक्स्ट्रैक्ट की फाइल यहाँ पर है, दोनों फाइल HTDoc में पेज कर दिए, एक्स्ट्रैक्ट की और वर्डप्रेस की। जी हाँ जी हाँ कर दिया। हाँ तो उसको वर्डप्रेस को रीनेम करके अपना नाम लिख दीजिए। ओके लिख देने के बाद में XAMPP में जाके माय SQL के बाजू में एडमिन के बटन पे क्लिक करिए। एडमिन के बाजू, माय SQL के बाजू में जो एडमिन का बटन है ना, हाँ पे क्लिक करिए। सेकंड रो ना सर, सेकंड रो में जो एडमिन का बटन है ना, हाँ कर दिया सर। उसपे क्लिक करिए, नेक्स्ट पेज खुला आपको। हाँ क्या क्या बता रहा है अब यहाँ पे, एक न्यू का बटन है ना, न्यू का, हाँ PHP माय डोमेन, उस पे न्यू के बटन पे क्लिक करिए। अब ये डैश डेटाबेस नेम और ये आ गया सर, डेटाबेस नेम, हाँ डेटाबेस नेम पे आपका जो रीनेम करे थे वो नाम मारिए और क्रिएट करिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके डन, नेक्स्ट। हेलो सर, बोलिए सर। मेरा लैपटॉप है 4i3 है सर। क्या है? 4i3। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम सर। ये 4GB रैम है, इसमें विंडोज 11 चलेगा सर? नहीं नहीं, विंडोज 11 ऑटोमेटिक अपडेट आएगा, वो अगर आपकी कंपैटिबिलिटी को सेट होता है तो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 4GB रैम है सर, 4i3 सेट होता है, 64 bit का है। हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर देखिए रैम से नहीं, आपके हार्ड डिस्क से भी डिपेंड होता है कि आपके हार्ड डिस्क कितने, उसी हिसाब से अपडेट होता है, तो वो ऑटोमेटिक आपको अपडेट आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। सर अभी सिर्फ 4 मिनट हमारे पास बाकी है, 4 मिनट में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन में ये बात बता दूं मैं कि काफी लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि सर वीडियो मिलेगी क्या? वीडियो सभी के ग्रुप्स में आ जाएगी, आप वहां से वीडियो लिंक पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। जी क्वेश्चन आपका। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं रिजवान बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए रिजवान सर। सर मैं मॉर्निंग क्लास अटेंड किया था सर आपकी, तो मैं XAMPP को डाउनलोड किया था, उसमें शायद मैं कौन सा दूसरा लिंक नहीं आई थी जब तक, तो मैं ऐसे गूगल से डाउनलोड कर लिया क्रोम से,
उसके बाद में सर मैं जब मैं खोल कर देखा तो एक्चुअली आप जिस तरीके से इंटरफेस दिखाए थे ना सर वैसे नहीं दिखा रहा मेरे को, बहुत सारे फाइल्स दिखा रहे मेरे को। ओके वो जैम जो HTML का डाउनलोड कर लेंगे आप? हो सकता है सर मैं कर लिया, लेकिन अब उसको डिलीट करने में जा रहा हूँ तो डिलीट नहीं हो रहा हूँ। नहीं डिलीट नहीं होगा उसको, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो जो है उसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। ज़ैम्प को तो मैंने इंस्टॉल, इसको अनइंस्टॉल कर दिया सर मैं एक्चुअली, वो जो और एक कुछ बताना ज़ैम्प के साथ, आप ज़ैम्प के साथ वर्डप्रेस आता है, वर्डप्रेस में अनइंस्टॉल कर दिया सर, लेकिन ज़ैम्प को मैं जब अनइंस्टॉल कर रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। नहीं तो वो रन हो रहा होगा कहीं पे, आप जो है टास्क मैनेजर ओपन करके ज़ैम्प सर्च करिए और उसको एंड टास्क करिए। किसके ऊपर जाके करूँ सर मैं? एक मिनट बता रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको। जैम के पूरे फाइल्स डिलीट कर देना सर। हाँ पूरे जैम के फोल्डर को डिलीट कर देना, तीन तरीके हैं, तीन तरीके बता रहा हूँ देखिए। आप अभी यहाँ पे मेरा विंडोज का बटन दिख रहा है आपको नीचे? हाँ पर सर। हेलो एक सेकंड सर, स्क्रीन थोड़ा यहाँ पे नीचे मेरा विंडोज का बटन दिख रहा है? ये सर मेरा वीडियो मेरा खुल गया, एक सेकंड। तो टास्क मैनेजर में आप जो कि एक बार एक्स मारिए, जैम बोल के डिटेक्ट होगा कहीं पे भी रखिए और एक्स मारिए, जैसे मेरा जैम डिटेक्ट हुआ जी वैसे आपका भी जैम डिटेक्ट होगा। यहाँ पर नीचे एंटर ओके सर टास्क का बटन है, उसको एंड टास्क कर दीजिए तो वो आपके कंप्यूटर में कहीं भी वर्क नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू, डिलीट कर दीजिए। ओके थैंक यू सर। तो पूरे फाइल जो भी उसके साथ डाउनलोड हुए थे पूरे चले जाएंगे सबसे? ओके थैंक यू सर, थैंक यू। वो चले जाएगा लेकिन फिर भी एक मिनट, वो चले जाएगा फिर भी विंडोज सीम में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जैम का फोल्डर वैसे रहेगा, उसको भी आप शिफ्ट डिलीट कर दीजिए। ओके सर, राइट, थैंक यू सर। इंशाल्लाह हम क्लास फिर नेक्स्ट वर्किंग डे यानी 27 के दिन मॉर्निंग अटेंड करेंगे, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, क्योंकि मॉर्निंग क्लास की रिकॉर्डिंग और इवनिंग क्लास की रिकॉर्डिंग मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, जैसे ही क्लास ये खत्म होगी स्टॉप रिकॉर्डिंग होगी तो मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब लोग अपना अपना ख्याल रखें, 26 जनवरी बनाइए, 26 जनवरी रिपब्लिक डे अपने अपने एरियो में बनाइए, मास्क लगाइए, ठीक है? और कुछ डाउट्स होंगे तो 27 के दिन आप जो वीडियो आएगी अपने अपने तरफ से एक बार ट्राई करिए प्रैक्टिकली, फिर कुछ कुछ ट्राई होता है अपने पास कुछ एरर्स आते हैं तो आप इसको जो है 27 के दिन पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।